की तुम हो तो क्या तुम। तो यहीं जैकी श्रॉफ बैठते हैं और यहीं सनी देओल सर बैठते हैं। ये सकते हैं जब जैकी श्रॉफ इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं इस लड़ाकू विमान पर। आप दोस्तों फिल्म का एक सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है जब वो बंकर के अंदर से बाहर निकालते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों इस समय आप देख रहे होंगे कि मैं एक एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज वाकई में मैं एक एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ साल 1997 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था बॉर्डर। दोस्तों यह एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी, ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों आज मैं इसी फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाऊंगा, जो कि जैकी श्रॉफ जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं लड़ाकू विमान को, आज मैं अपनी वीडियो में वो वाला लड़ाकू विमान आज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ ऐसे ही बने रहे दोस्तों, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये देख लीजिए बहुत बड़े बड़े इंडियन एयरफोर्स के आपको विमान दिखाई दे रहे होंगे। तो आज मैं आया हूँ बॉर्डर फिल्म की शूटिंग बनाने, जो आप इस समय देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा जैकी श्रॉफ जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं बॉर्डर फिल्म के अंदर। दोस्तों आज हम देखेंगे बॉर्डर फिल्म के सभी सीन। अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा यह फ़िल्म आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों आज मैं आपको सभी सीन दिखाऊंगा, आप सारे सीन टू सीन मैच कर लीजिएगा। और अभी हम चलते हैं फिल्म की फर्स्ट लोकेशन पर उससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा ये जगह दिल्ली में कहाँ पर है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत काटिएगा, क्योंकि मैं बीच में भी बता सकता हूँ ये जगह कहाँ पर है और यहाँ आने की कितनी टिकट लगती है और क्या क्या मतलब यहाँ का प्रोसेस है। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम चलते हैं इसी एयरक्राफ्ट के पास जहाँ बॉर्डर फिल्म के सीन फिल्माए। जैसा कि दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंदर की तरफ, और अंदर आने के बाद आपको स्टार्टिंग पर ये जगह देखने को मिलेगी। तो बॉर्डर फिल्म का भी जो प्लेन इस्तेमाल किया गया था वो भी यहीं पर ही खड़ा है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में ऐसे ही बने रहे कंटिन्यू। तो चलिए मैं आपको आगे के सीन दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर प्लेन खड़े हैं। जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक लेज़र गाइडेड मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, तो आप देख रहे होंगे, जो कि प्लेन के नीचे लगाई जाती है ये लेज़र के थ्रू, और इसके बारे में जो नॉलेज दी गई है वो यहाँ पर दी गई है। इस अंदर आने के बाद आपको ये काफ़ी प्लेन यहाँ पर नज़र आएंगे, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, और धूप भी काफ़ी तेज़ है इस समय, और ये एक प्लेन और है यहाँ पर तो जिसको ढका हुआ है पता नहीं किस वजह से। अब हम चलते हैं जहाँ अंदर, जहाँ बॉर्डर फिल्म का वो फाइटर प्लेन आज भी खड़ा हुआ है जो बॉर्डर फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, तो वो अंदर की तरफ है। अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ और अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ। आएंगे तो आपको ये ठीक सामने आकाश मिसाइल देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो। और एक तो ये है जो चांद पर पहला मानव जब गया था तो वो इस प्रकार के मॉडल में गया था, तो उसका एक पूरा मॉडल बनाया गया है यहाँ पर, और उसकी जानकारी बॉर्डर फिल्म के जो सीन फिल्माए थे वो फाइटर प्लेन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत पहले का फाइटर प्लेन है और बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा होगा आपको, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है हमारा। और ये अगले फाइटर प्लेन की तरफ हम चल रहे हैं। प्लेन के बारे में आपको थोड़ी कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा, आप ये पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे, ये है निर्मल सिंह जीत जी, जिन्होंने ये फाइटर प्लेन उड़ाया था आज से करीब 1971 की लड़ाई में उड़ाया गया था, और उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी पा रहे होंगे। तो ये है अगला फाइटर प्लेन, तो बहुत ही अलग अलग तरह के यहाँ पर फाइटर, वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको दिखाऊँगा आज बॉर्डर फिल्म में जो सीन फिल्माए गए थे जिस फाइटर प्लेन के, तो आज मैं आपको वो आगे बढ़ा। उससे पहले मैं आपको एक बार ये फाइटर प्लेन दिखा देते हैं, मेरे को बड़ा गजब का ये फाइटर प्लेन दिखा, तो मैंने कहा चलो आपको एक बार ये वाला फाइटर प्लेन और दिखाता हूँ। बहुत ही बड़ा है ये, आप पर फोटो में आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, अगर आप यहाँ रियल में आके सामने देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा है, और इसका एक इंजन भी पीछे की तरफ रखा हुआ वो भी अभी। दोस्तों ये है वो फाइटर प्लेन NB, इस पर लिखा हुआ है NBP कुछ, ये देखिए बहुत बड़े बड़े इसके टायर हैं और ये इसके पंख हैं जो हवा में लहराते हैं, आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पर एक चीते का निशान बनाया गया है। दोस्तों आगे हम चलें उससे पहले मैं आपको और एक फाइटर प्लेन और दिखा देता हूँ जो हंटर नाम से ही है, जो बॉर्डर फिल्म में कुछ इसी तरह के प्लेन को इस्तेमाल किया गया था, पर ये वो वाला प्लेन नहीं है क्योंकि मैंने पूरा देख लिया है,
पर प्लेन कुछ इसी तरह का था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका डिस्प्ले लगाया हुआ है और मैं आपको एक बारी बैक कैमरे से दिखाता हूँ ये नज़ारा। ये भी बहुत खूबसूरत एक एयरक्राफ्ट है, काफ़ी पुराना है आप देख सकते हैं, पर अब इस पर थोड़ा रंग पेंट करते रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला नज़ारा, आप देख सकते हैं ये है एक हंटर प्लेन, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके बारे में यहाँ पर डिस्प्ले पे बताया गया है ये कब कब इसने लड़ाई लड़ी या जो भी है इसके बारे में यहाँ पर डिस्प्ले पे लिया हुआ है। और यहाँ हम ठीक सामने से देख रहे हैं और मैं पहली बार किसी एयरक्राफ्ट को हाथ लगा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं एक बारी पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। इस हंटर प्लेन के बाद अब हम चलेंगे उस बॉर्डर फिल्म की फर्स्ट लोकेशन पर, तो आप देख पा रहे होंगे तो वो विमान इसी जगह खड़ा हुआ है आगे की तरफ। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं बॉर्डर फिल्म के सभी सीन जो बॉर्डर फिल्म में फिल्माए गए थे, जो जैकी श्रॉफ जिस फाइटर प्लेन को उड़ाते हैं तो वो पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको वो वाला सीन भी दिखाऊंगा जहां सनी देओल और जैकी श्रॉफ एक विमान के अंदर बैठते हैं, जहां पर वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो वाला सीन भी उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फिल्म के पहले सीन की तरफ चल रहे हैं आगे, जहाँ बॉर्डर फिल्म का जो फाइटर प्लेन खड़ा हुआ है तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो ठीक सामने कोने पर उस विमान को लगाया गया है जो बॉर्डर फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बॉर्डर फिल्म की लोकेशन पर, तो आप देख पा रहे होंगे तो इसी एयरक्राफ्ट को बॉर्डर फिल्म में यूज़ किया गया था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है हॉकर हंटर, आप देख पा रहे होंगे कि हंटर के नाम से जाना जाता है ये, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिल्म के अंदर भी बोला जाता है कि हंटर प्लेन रात को नहीं उड़ाए जा सकते, यहाँ पर सिर्फ हंटर जहाज है जो रात को नहीं लड़ सकते, पहले किरण के साथ मैं वहाँ पहुँचाऊंगा। तो दोस्तों बॉर्डर फिल्म में इसी फाइटर प्लेन को उड़ाते हैं जैकी श्रॉफ। तो फिल्म में कुछ सीन दिखाए गए हैं जब जैकी श्रॉफ ऐसे एक पैनल पर बैठे रहते हैं, तो वो सीन अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें आप पूरा एयरक्राफ्ट का नज़ारा देख लीजिएगा। कुछ सीन यहाँ पर भी दिखाए गए हैं जो कि जैकी श्रॉफ इस विमान को उड़ाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे पूरा नज़ारा इस एयरक्राफ्ट का। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं दिखाता हूँ बॉर्डर फिल्म के सभी के सीन। दिखाने से पहले मैं इस लड़ाकू विमान के आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ पूरा। तो ये नज़ारा है कुछ इस प्रकार, और इसी जगह जैकी श्रॉफ बैठे रहते हैं, तो अभी आपको मैं दिखाऊँगा आगे भी, तो देख लीजिए पूरा नज़ारा इसका। दोस्तों अब आप मैच कर सकते हैं फिल्म का पहला सीन जो कि दिखाया गया है कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं, जिसमें आप पूरे प्लेन को देख सकते हैं, इसके कलर को मैच कर सकते हैं और ये वाले जो एंगल हैं आप पूरी तरह से देख सकते हैं। उस एयरक्राफ्ट का कुछ इसी प्रकार दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं, तो वो नज़ारा कुछ इसी तरह से। अगला सीन आप मैच कर सकते हैं जब जैकी श्रॉफ इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं इस लड़ाकू विमान पर, आप देख सकते हैं, और उनके अगल बगल उनके दोस्त खड़े रहते हैं, आप देख सकते हैं, तो वो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है, जिसमें हमारे भारतीय लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मैच कर सकते हैं। और ये वाला जो छेद होता है उसमें ये भी आप पूरी तरह से मैच कर सकते हैं, तो सीन कुछ इसी प्रकार फिल्माया जाता है, पूरा सीन आप मैच कर सकते हैं, इस कलर को भी आप पूरी तरह से देख सकते हैं, तो सीन कुछ इसी तरह से लिया गया था। चलिए दिखाता हूँ बॉर्डर फिल्म का अगला सीन, और अब आप मैच कर सकते हैं जहाँ जैकी श्रॉफ यहीं बैठे रहते हैं सीधे, और आप इस वाली पट्टी को देख सकते हैं, ये पीछे वाले जो एंगल होता है कैमरा एंगल भी कुछ इसी प्रकार किया गया था उस समय भी, तो आप पूरा सीन मैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट से आप पूरा स्क्रीन मैच कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया, फिल्म का एक सीन कुछ इस तरह से फिल्माया जाता है जब जैकी श्रॉफ यहाँ बैठे रहते हैं और उनके सभी दोस्त ऐसे बातें कर रहे होते हैं उनसे, तो कैमरा एंगल भी कुछ इसी तरह से किया जाता है, जिसमें आप ये वाला एंगल देख सकते हैं और इस वाले जो शीशे वाला एंगल है ये भी आप पूरी तरह से मैच कर सकते हैं, तो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है बॉर्डर फिल्म के। दोस्तों मैं आपको सभी सीन दिखाऊंगा जो फिल्म के दौरान दिखाए गए हैं, तो आप पूरा सीन को मैच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले फिल्म के एक सीन में, जब जैकी श्रॉफ इस फाइटर प्लेन को उड़ाकर आते हैं तो सभी दोस्तों के साथ वो ऐसे आ रहे होते हैं, जिसमें आप पूरा इस नज़ारे को देख सकते हैं स्क्रीन शॉट के माध्यम से, तो नज़ारा कुछ इसी तरह से फिल्माया गया था, पूरा कलर आप मैच कर सकते हैं। पीछे उस समय ये नहीं बनाया गया था, ये लोगो टाइप का जो बना हुआ है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए, तो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया गया था। इसके आगे का डिज़ाइन भी देख लीजिए और ये वाले डिज़ाइन को भी आप पूरा मैच कर सकते हैं। तो चलिए फिल्म का अगला सीन हो रहा है, अब आपको दिखा देता हूं। अगले ही सीन में जब जैकी श्रॉफ यहाँ से उतर के आते हैं, आप देख सकते हैं इस फाइटर प्लेन से ये वाला कॉकपिट ऐसा खुला हुआ होता है पीछे की तरफ, और जैकी श्रॉफ ऐसे खड़े रहते हैं इसके बीच में, और पूरे एंगल को इस वाले शीशे को भी मैच कर सकते हैं, और पूरा एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से वो सीन फिल्माया गया था।
तो पूरा सीन आप मैच कर लीजिए। और इसके बाद जो अगला सीन फिल्माया गया था इसी फाइटर प्लेन का, अगले दिन का एक सीन कुछ इस तरह से फिल्माया जाता है, जब लड़ाई के दौरान जैकी श्रॉफ ऊपर से बमबारी करते हैं तो सन्नी देओल उनको देख रहे होते हैं और नीचे से वही डायलॉग याद करते हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वो जब सीन फिल्माया जाता है तो कुछ इसी प्रकार एंगल किया जाता है, आप इंजन को मैच कर सकते हैं जहाँ जैकी श्रॉफ यहीं पर ठीक बैठे रहते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का वो नज़ारा लिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप बॉर्डर फिल्म की आप पूरे सीन मैच कर सकते हैं जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं दिखाएगा, तो मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए दोस्तों बॉर्डर फिल्म के अगले और सीन में, अभी लड़ाकू विमान के जो भी बॉर्डर फिल्म में सीन दिखाए गए थे अभी मैं आपको दिखाऊंगा बॉर्डर फिल्म के अगले सीन, जो एक और एयरक्राफ्ट है जो कि जैकी श्रॉफ उड़ाते हैं, तो अभी हम चल रहे हैं उस वाली जगह पर। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों बॉर्डर फिल्म के जो अगले सीन फिल्माए गए थे, तो वो ऐसे फाइटर प्लेन पर फिल्माए गए थे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया पर फाइटर प्लेन बिल्कुल वही है। आप पूरा मैच करा के मैं आपको दिखाऊँगा, जिसमें आपको ये वाला एक एंगल दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाला, इसको आप मैच कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आप देख रहे होंगे ये बाहर की तरफ एक निकला हुआ है जो कि ईंधन के लिए लगाया जाता है, आप देख सकते हैं जो मिसाइल की तरह आपको लग रहा होगा, और यहाँ पर एक गड्ढा सा आपको दिख रहा होगा, इधर एक बॉक्स सा आपको नीचे दिखाई देगा, और ये इंडियन लोगो आप देख लीजिएगा। और ऊपर वाले पूरे ऊपर वाले जो नज़ारा है आपको ऊपर जहाँ बैठते हैं उसके पीछे का पूरा नज़ारा आप देख लीजिएगा। तो एयरक्राफ्ट ये इसी तरह का फिल्माया गया था बॉर्डर फिल्म के अंदर भी, आप देख लीजिएगा, और ये आगे का पूरा हिस्सा आप देख लीजिए। तो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया गया था, जब जैकी श्रॉफ बॉर्डर फिल्म शुरू होती है तो इसी तरह के एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ते हैं हवा में, तो वो सीन फिल्माया गया था। अभी मैं आपको सीन टू सीन मैच करके दिखाऊंगा, आप पूरे सीन मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बॉर्डर फिल्म की आगे का सीन फिल्माया जाता है। तो बॉर्डर फिल्म जब स्टार्ट होती है तो इसी एयरक्राफ्ट का बैक साइड दिखाया जाता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से, हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते, मैं आपको आगे से ही दिखाने की कोशिश करूँगा, पर इसमें इंजन नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा एंगल, यहाँ से देखिए पीछे की तरफ आपको नज़ारा दिख रहा होगा, इंजन शायद हटा दिया है इसका पीछे से, तो सीन पीछे का फिल्माया गया था। तो चलिए मैं आप भी आपको दिखाता हूँ अगला सीन जो इसी एयरक्राफ्ट का, अब आप सीन मैच कर सकते हैं जब जैकी श्रॉफ ऐसे करके चढ़ रहे होते हैं इसी फाइटर प्लेन पर, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती हैं और जैकी श्रॉफ ऊपर चढ़ते हैं, और इस वाले एंगल को आप देख सकते हैं आगे के सीन को पूरा, ये चोंच सी जो निकली हुई है पूरा सीन आप देख सकते हैं। तो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है, और इसके बाद का अगला ही सीन देखते हैं, एक सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है जब वो बंकर के अंदर से बाहर निकालते हैं फाइटर प्लेन को, तो वो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है, आप पूरे सीन को मैच कर सकते हैं, पूरे एंगल को आप देख सकते हैं, कैमरा एंगल भी कुछ इसी प्रकार किया जाता है, आप पूरा सीन मैच कर सकते हैं। अगले ही सीन में जब वो बंकर में से ये एयरक्राफ्ट निकलता है तो ऐसे मुड़ रहा होता है, तो वो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है, जिसमें इंडियन लोगो आप देख रहे होंगे, और ये वाली जगह को आप देख लीजिए, और नीचे वाले हिस्से को भी पूरी तरह से मैच कर सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से को भी देख सकते हैं, तो वो कैमरा एंगल कुछ इसी प्रकार किया गया था, आप देख लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अगले ही सीन में, जब इस कॉर्पेट में बैठ जाते हैं आप देख सकते हैं, तो ये वाला कुछ नज़ारा इसी प्रकार फिल्माया जाता है, तो देख लीजिए, आपको थोड़ा पास करके दिखा रहा हूँ, पूरा सीन मैच कर सकते हैं, तो वो कैमरा एंगल भी कुछ इसी प्रकार लिया गया है जहाँ जैकी श्रॉफ बैठे रहते हैं, आप देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सीन टू सीन मैच करा के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सभी सीन को। तो बढ़ते हैं अब अगले सीन, जिस प्लेन के सीन दिखाए गए हैं वो बोले अभी मैंने आपको दिखा दिए, इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ सन्नी देओल और जैकी श्रॉफ एक विमान के अंदर बैठते हैं, जिसमें यह एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह मेजर साहब, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अभी हम चलते हैं उस वाले सीन पर, तो अभी मैं आपको सीन टू सीन मैच करके दिखाऊंगा, आप सभी शॉट देख लीजिए। हम आ चुके हैं उस वाली जगह जहाँ पर बॉर्डर फिल्म में सीन दिखाए गए थे इसी एयरक्राफ्ट के, आप देख पा रहे होंगे, तो इसी एयरक्राफ्ट में पीछे की तरफ से ही सन्नी देओल और जैकी श्रॉफ चढ़ते हैं, और जिसमें एक बहुत ही मशहूर डायलॉग बोला गया था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं वो वाले सीन, आप सीन टू सीन मैच करके। फिल्म का एक सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है जब जैकी श्रॉफ जीप में बैठ कर आ रहे होते हैं और सन्नी देओल इसी प्लेन में बैठे रहते हैं पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं, तो वो सीन कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है, जिसमें आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, आप मैच कर सकते हैं। तो इन पंखड़ियों को भी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से फिल्माया जाता है। तो उसके बाद का जो अगला सीन फिल्माया जाता है तो वो अंदर का दिखाया जाता है, चलिए मैं आपको आप पास से दिखा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो ये है एयरक्राफ्ट का अंदर का नज़ारा।
तो यहीं संजय देओल सर बैठे रहते हैं और इधर ही जैकी श्रॉफ आके बैठते हैं। तो खिड़की के पास का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पास से, आप ये देख लीजिए। तो यहीं जैकी श्रॉफ बैठते हैं और यहीं संजय देओल सर बैठते हैं। ये एयरक्राफ्ट का एंगल है और ये ऐसे सीन फिल्माया जाता है जब जैकी श्रॉफ आते हैं जीप से, तो पूरा सीन आप मैच कर सकते हैं। दोस्तों मुझे परमिशन मिल गई है तो इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप सीन टू सीन मैच करके देख लीजिए। दोस्तों आपको पहली बार आपको बॉर्डर फिल्म का सीन देखने को मिल रहा है, पूरा सीन मैच कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे काफ़ी खुशी है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा यह जगह कहां पर है, तो यह दिल्ली के पालम क्षेत्र में स्थित है यह वाली जगह, और यह है इंडियन आर्मी का एयरफोर्स म्यूज़ियम जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और यहाँ पर टिकट लगती है जो कि 30 रुपीज़ की टिकट लगती है यहाँ पर आने की। और दोस्तों बच्चे अगर आपके साथ आते हैं तो उनकी 15 रुपये की टिकट भी है यहाँ पर। और दोस्तों और आप यहां पर अगर आएँ यहां पर अपने एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेके आइएगा, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, प्यारा सा एक कमेंट कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। को बॉर्डर फिल्म का यह वीडियो कैसा लगा, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट।